मल्हार सरकार की इस खबर से हो जाएगी सबकी बोलती बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि इतिहास में है कि जब अहिल्या देवी ने शासन संभाला था खंडेराव के बाद, तब मल्हार सरकार मुहिम पे ही ज्यादातर रहते थे और सारी बातें देवी अहिल्या से उनके संदेश के जरिए ही होती थी। उनको कुछ काम होता था तो संदेश, देवी अहिल्या को कुछ काम होता था तो संदेश। अब इन्हीं संदेशों में एक खबर ऐसी भी आने वाली है जिसकी खबर मिलते ही, यानी कि जिसके बारे में पता चलते ही ये सब जो अब बोल रहे हैं इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों चर्चा करते हैं इसके ऊपर, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अभी हमने जो धारावाहिक में देखा उसमें मुक्ता के विवाह की बात हो रही है। मुक्ता की शादी किसके साथ? यशवंत के साथ, ऐसा देवी अहिल्या चाहती है। मगर बाकी सब लोग इस बात से बिल्कुल भी अपनी राय नहीं रखते हैं, अपनी हामी नहीं भरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए जो पहला रिश्ता आया है राजकुमार का वो बेस्ट है। तो इस दो रिश्तों में अब देवी अहिल्या फंस जाएगी। मगर देवी अहिल्या जैसे कि शिव शंभू की भगत है, उन्होंने पहले ही मल्हार सरकार को एक संदेशा भेजा हुआ है जिसके बारे में अभी किसी को कोई खबर नहीं है। हरकुबाई से वहां पे थी, पूछा भी उन्होंने, मगर देवी अहिल्या ने टाल दिया बात को, क्योंकि अभी वो सोच नहीं पा रही थी कि अभी मुझे मुक्ता के विवाह की बात करनी है या नहीं करनी है। मगर जो रिश्ता आया था उसकी वजह से माहौल कुछ ऐसा बना कि गौतमा रानी ने ही देवी अहिल्या को बुलाया और उनको तो ये लग रहा था कि हम देवी अहिल्या को बताएंगे कि मुक्ता के लिए लड़का देख लिया है। मगर जब माहौल में मुक्ता की शादी की बात हो गई तो देवी अहिल्या ने जो सोचा था वो कह दिया। अब इस बात से सबको ऐतराज है और मुक्ता को भी। मगर दोस्तों यहां पे जो देवी अहिल्या ने संदेश भेजा है उस संदेश में देवी अहिल्या ने यही भेजा होगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ है जो हमने इतिहास में पढ़ा है, कुछ है किताबों में, उसमें यही है कि देवी अहिल्या ने इसी बात का जिक्र किया था, यशवंत की काबिलियत का जिक्र किया था, उसकी जो वीरता है उसका जिक्र किया था और कहा था कि ये मैं सही कर रही हूं या नहीं, बाबा साहिब आप बताइए, आपका फैसला मैं जानना चाहती हूं। तो दोस्तों ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा संदेश देवी अहिल्या ने भेजा होगा, क्योंकि यहां पे तो सबने मना कर दिया है। मगर मल्हार सरकार भी देवी अहिल्या की राय से सहमत होंगे, क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं कि वीर पुरुष कहीं भी अपना राज्य बना सकता है, मगर जो वीर नहीं होते हैं, जिनको बने बनाए राज्य मिलते हैं, वो उनको उजाड़ देते हैं, जैसे कि मालेराव, ये तो वो नहीं कहेंगे मगर हम जानते हैं कि ऐसा ही हम देख रहे हैं, क्योंकि मालेराव को तो बना बनाया राज्य मिला है इसलिए उनके ऊपर राजकुमार का फितूर है। मगर जो राजकुमार बनेगा, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, जो अपनी मेहनत से अपने तरीके से बनेगा वो ज्यादा वैल्यू समझेगा, और ये बात मल्हार सरकार समझते हैं, क्योंकि मल्हार सरकार ने ये होलकर जो वाड़ा बनाया है, जो होलकर की लेगेसी आगे बढ़ाई है, वो मल्हार सरकार ने ही किया है। मल्हार सरकार की अगर हिस्ट्री में जाए तो वो खुद भी एक सैनिक थे, तो तब उनको एक रियासत मिली, उससे उन्होंने आगे आगे चीजें बढ़ाई और ये उनकी ही की हुई मेहनत है। और अब मल्हार सरकार को अगर यशवंत में ये बात दिखेगी तो वो हां जरूर कहेंगे, और देवी अहिल्या भी जानती हैं कि यशवंत में काबिलियत है। तो अब दोस्तों मल्हार सरकार से जब संदेशा वापिस आएगा, जवाब आएगा, उसमें ऐसा ही कुछ हो सकता है जिसके बाद किसी का भी ये कहना कि यशवंत मुक्ता के काबिल नहीं है गलत हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने पढ़ा भी है। बाकी देखते हैं इस सीरियल में, इस धारावाहिक में इस चीज को कैसे लेके जाते हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।